बात करेंगे शुभ गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें हर्ष की चाल में फंस चुका है रजत। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हर्ष ने रजत से कहा कि सई मेरी और आशिका की बेटी है, जिसके बाद रजत एकदम शॉक हो जाता है। शो के आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि रजत की पूरी फैमिली रजत और सवी को जन्माष्टमी के इवेंट में छोड़कर घर चली जाती है, जिसके बाद हर्ष आकर रजत को प्रोवोक करता है और कहता है कि जितने दिन सई हमारे घर में रही उसके बाद मैंने उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है और कुछ ही दिनों में मैं सवी को तुमसे दूर कर दूंगा, जैसे मैंने कियान और आशिका को किया है, और तुम फिर से अकेले रह जाओगे। हर्ष की बातें सुनकर रजत गुस्से में इवेंट से चला जाता है। सवी को जब पता चलता है कि रजत उसे अकेला छोड़कर चला गया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टैक्सी का वेट करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर आशिका सवी को घर ड्रॉप करने का ऑफर करती है। पहले तो सवी मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। रास्ते में आशिका सवी को रजत के खिलाफ काफी ज्यादा भड़काती है, जिस पर सवी कहती है कि मैं रजत के साथ सिर्फ सई की वजह से रह रही हूँ और मैंने शादी भी सिर्फ इसी वजह से करी है। इधर घर में रजत नशे की हालत में आता है और सई उससे बातें करने लगती है और उसकी हालत देखकर उसकी केयर भी करती है, लेकिन सई को देखकर बार बार रजत को हर्ष की कही बातें याद आती है और फ्रस्ट्रेशन में रजत सई को धक्का दे देता है। तभी सवी वहां आती है और सई को प्यार से संभालती है। सवी रजत पर जमकर नाराज होती है और आगे से ऐसा ना करने के लिए उसे वार्न भी करती है। अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रजत हर्ष की बातों को सच मानकर सई को खुद से दूर कर देगा। इसी तरह के और भी स्पॉइलर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जस्ट शोबिज़।